बाबा का बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर सजा हुआ। मंगलवार का दिन दूर दूर कोई गहली से कोई ढोसी से आसपास से गांव गवार से सभी भक्त पुजारी बाबा के मंदिर आ रहे। एक बाबा के चमत्कार बाबा की महिमा सुनकर के एक बड़ी दुखिया होती है जिसके सभी तरह के सुख हुए, घर में सभी सुख थे लेकिन एक ही दुख था और वो दुख क्या था आप कभी आप सुनेंगे भजन के बीच में कि वो दुख कौन सा था और कैसा था और बाबा कैसे कैसे दुखों का निवारण करते हैं। आइए दोनों। अरे भगवान आज ये सज धज के सोले श्रृंगार करके आज कहां जाने की तैयारी करी है? मैं जा रही हूँ बाबा के मेले में। बाबा के मेले में? हाँ। ये सूट भी आज तो नया ही लिखाड़ा था ना? और क्या, या तो इस सूट को उस दिन पहन के आई थी जब तुम्हारी मेरी शादी हुई थी। हाँ, या तो ब्याह में पहन के आई, आज पहन के जा, या फिर आज पहन के जा रही हूँ। देख रहा आज भी कहीं ब्याह करवाएगी? ना ना, अब तो अगले जन्म में ही होगा ब्याह। क्यों, उस दिन तो ये सूट पहना तेरा ब्याह हो गया। हाँ। आज फिर सूट पहने, आज फिर ब्याह होगा? आज ये सूट पहना है तो किसी कारणवश पहना है। ब्याह के कारण पहना होगा? ना ना ना, ब्याह तो एक बार ही होता है, बार बार थोड़ी होता है। अच्छा, एक बार ही होए? हाँ। बार बार नहीं होता? वो तो इंसान की मर्जी है कितनी भी बार कर लो, वैसे मेरा तो एक ही बार हुआ है। अच्छा, और एक बार ही होगा बस। देख सही बता कहाँ जा है? मैं जा रही हूँ बाबा के धाम पे। कौन से बाबा के? जोधा दास महाराज जी के धाम पे। कहीं एक बाबा वो भी है सिरसा वालों? ना ना ना, वहां ना जा रही मैं, वहां तो मैं भूल के भी ना जाऊं। बाबा गणे ही है। मैरमपुर जा रही हूँ मैं। बाबेन ते बच के रहे, ऐसे बाबेन के दौरे ना जा रही मैं। कोई बात नहीं, कोई पूजा पाठ तुझे करना है तो घर में कर लिया कर, कोई व्रत करना है तो घर में कर लिया कर। देख पूजा तो दिल में होती है और दिल में भी करती हूँ, घर में भी करती हूँ, लेकिन मेरा भी मन करता है, मेरी पड़ोसन जा रही है मैरमपुर मेले में। हाँ, पूजा दिल में, दिल ही है तेरा मंदिर है। यूं क्या करें कि मंदिर पूजा रोज करो चाहे तीर्थ करो हजार। अच्छा, कि मंदिर पूजा रोज करो चाहे तीर्थ करो हजार। हाँ। और दया धर्म दिल में नहीं तो सब कुछ है बेकार। और रुक जा। नीलकंठ ऋषिकेश। हाँ। नीलकंठ ऋषिकेश क्या हरिद्वार के जाने से, नीलकंठ ऋषिकेश क्या हरिद्वार के जाने से, और जब मन का मंदिर साफ नहीं तो क्या फायदा गंगा नहाने। रुक जा रामदेव के भूपा, ये ज्ञान की बात मुझे मत बतावे, ब्रह्म ज्ञान मुझे मत सुनावे। भावना में भावना तो भावना बेकार है, तू ही रख भावना में भाव। मेरी भावना में भाव है ताज मेरा बेड़ा पार। तो मैं तो भावना में भाव भी रखती हूँ लेकिन बाबा के दर्शन करने भी जाऊंगी, कति नहीं मानू। और यही दर्शन करवा दूं मैं बाबा के? यहाँ? हाँ। यहाँ कहाँ है? देख टोपला ओढ़ के बैठे बाबा। इन बाबा के तो रोज दर्शन करती हूँ मैं। इनते बढ़िया बाबा भी ना मिले दुनिया में। इनकी सेवा कर ली तो यूं समझ के त्रिलोकीनाथ की सेवा कर ली। लेकिन ये तो हमारे और तुम्हारे जैसे हैं। अरे देवता हैं हमारे। हाँ, हमारे देवता हैं, लेकिन इनसे भी जो बड़े देवता हैं वो बाबा जोधा दास जी हैं। ये देवता हैं, देवी माओ बैठी कुर्सी पे, ये देवी है, साक्षात देवी है। मैंने कब कही देवी ना है ये? बस तो इनकी सेवा कर ले। इनकी सेवा रोज करूँ हूँ मैं। सुन मेरी बात, मैं कति नहीं मानूंगी पिया जी। मैं तेरी बातों में कति नहीं आऊं, मने मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, कति नहीं मानू। गोरी तू कित चाली, गोरी तू कित चाली, करके सोले श्रृंगार। मेहरमपुर जाऊंगी बाबा जोधा दास के द्वार। मेहरमपुर जाऊंगी बाबा जोधा दास के द्वार। गोरी तू कित चाली, गोरी तू कित चाली, करके सोले श्रृंगार। मेहरमपुर जाऊंगी बाबा जोधा दास के द्वार। साची सच बता तू पड़े रही सहजा,
मन साची साच बता दूर पड़े रही सजा मेहरमपुर जाऊं सो मन बाबा रया बुला मेहरमपुर जाऊं सो मन बाबा रया बुला मन साची साच बता तू पड़े रही सजा मेहरमपुर जाऊं सो फोन कोई आया क्या फोन कोई आया या आया से कोई तार ना कोई फोन आया ना कोई तार आया कोई चिट्ठी आई कोई चिट्ठी नहीं आई और बताऊं बता सपने में पिया जी सपने में पिया जी बाबा आए मारे द्वार सपने में पिया जी बाबा आए मारे द्वार कित धक्के खावेगी दुखी तू हो जावेगी कित धक्के खावेगी दुखी तू हो जावेगी साजन तेरी गोरी बाबा ने बनावेगी साजन तेरी गोरी बाबा ने बनावेगी वो कित धक्के खावेगी दुखी तू हो जावेगी साजन तेरी गोरी बाबा ने बनावेगी साजन तेरी गोरी बाबा ने बनावेगी बाबा ने मन एक बात और बता क्या लेके आवेगी बाबा ते मेरी नार मेहरमपुर वाले से जा करके करूं पुकार मेहरमपुर वाले से जा करके करूं पुकार तू कित चाली चाली गोरी तू कित चाली करके सोरे श्रृंगार मेहरमपुर जाऊंगी बाबा बाबा मेहरमपुर वाले से जाकर के पुकार करेगी क्या लेके आवेगी जिस चीज की हमें जरूरत है रहने को घर रहा अच्छा खाने को सब चीज की मौज रही अच्छा पहनने को बढ़िया बढ़िया लत्ते कपड़े रहे हाँ। दूध देने खातर भैंस रही अच्छा गाड़ी घोड़ा हर चीज मौज है कोई कमी तो है ना तेरे कमी है और फिर भी कह रही है कि मेहरमपुर वाले तो जाके शिकायत करूंगी बिल्कुल करूंगी क्या शिकायत करेगी करूंगी वो तो मैं मेरी और बाबा के बीच की बात है मैं तुम्हें क्यों बताऊं अच्छा यानी बाबा के और तेरे बीच की बात है हाँ मेरे बताने लायक नहीं है अगर मेरे साथ चलो तो बताऊं ऐसे नहीं जाऊंगा हो कह दे कोरी कोरी के मांगेगी गोरी कह दे कोरी कोरी के मांगेगी गोरी मैं कह दे कोरी कोरी के मांगेगी गोरी
सब चीज की मौज है लेकिन एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? जो मैं बाबा से जाके मांगूंगी। क्या मांगेगी? मैं बाबा से मांगू, मैं बाबा से मांगू। मुझे तो ऐसा लगे तू सरपंचनी की कुर्सी मांगे बाबा तुझे। ना ना ना, मैं किसी का अधिकार नहीं छीन। ना मुझे तो ऐसा लगा तू सरपंचनी ने देख देख के जले है। नहीं जी, कति नहीं जलती। मैं सरपंचनी क्यों बन गई? मुझे तो सरपंचनी बनना ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही साधारण रहना चाहती हूँ। और देश लूटेगी तू? देश नहीं लूटना चाहती मैं, जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मांगूंगी। गोरी गोरी के मांगेगी गोरी। मैं पापा से मांगू, मैं पापा से मांगू। क्या? एक छोरा एक छोरी। एक छोरा और एक छोरी। अच्छा देख, मैं तो मजाक करूं था इन देवताओं के सारे से। हमारा उद्धार है, हमारा गुजारा है। अगर बाबा जोधा दास महाराज ने इतनी कृपा करी तो जिस तरह से लांबा साहब ने आज ये सत्संग कीर्तन करवाया है, मैं भी बाबा के मंदिर में जाकर के बाबा का कीर्तन सत्संग करवाऊंगा, बाबा का भवन सजवाऊंगा, बाबा की आरती उतारूंगा, बाबा का भंडारा कराऊंगा और बाबा के जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा, लेकिन करूंगा जब ही जब बाबा दे देगा कुछ। अच्छा। और बाबा ने कृपा करी और झोली भरी और हमारे एक लड़का एक लड़की हुए। बाबा के दरबार से कोई भी खाली नहीं गया, बाबा इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो झोली भरी तो मैं कौन बनूंगा? कौन? मैं तो पापा बन जाऊंगा। जब बच्चे होंगे तो मेरे से पापा कहेंगे। जरूरी थोड़ी है पापा से मांग के लाऊंगी मैं। मेरे पापा से दादा कहेंगे, मेरी माते दादी कहेंगे। अच्छा, कौन सी है तुम्हारी माँ? मेरी माँ बैठी है देख। मेरी माँ राजी होगी बच्चों को जब गोदी में खिलाएगी। अच्छा। हाँ, बुढ़ापा कट जाएगा बच्चों को खिला खिला के मेरी माँ। अभी तो तुम मना कर रहे थे कि बाबा के धाम पे मत जा रहे। मुझे नहीं पता था ना, क्योंकि इंसान दिन रात कमाता है, खेती बाड़ी घर मकान कोठी बंगला धन दौलत ये किसकी है? बच्चों की। किसके लिए भाग दौड़ करते हैं? बच्चों के लिए। लोग देश और विदेशों तक नौकरी करने धंधा करने के लिए जाते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। ये बच्चे ही नहीं होंगे तो धन दौलत सब मिट्टी के बराबर। मैं तो पापा बन जाऊंगा। हाँ। मैं तो पापा बन जाऊंगा, बच्चों से करूंगा प्यार। पापा से अर्ज करूं भरा हो जाएगा उद्धार। पापा से अर्ज करूं भरा हो जाएगा उद्धार। और बाबा का दरबार सुहाना लगता है, लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है, लगता है। बाबा का दरबार सुहाना लगता है, लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। और महरमपुर में धाम बड़ा है अलवेला। अरे महरमपुर में धाम बड़ा है अलवेला। और भक्तों का जहाँ आना जाना लगता है, मेरे बाबा का, मेरे जोधा का, मेरे बाबा का दरबार सुहाना लगता है, लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। बच्चे हो जावेंगे तो हम खुशी मनावेंगे। बच्चे हो जावेंगे हम खुशी मनावेंगे। पापा का भंडारा फिर हम करवावेंगे। पापा का भंडारा फिर हम करवावेंगे। बच्चे हो जावेंगे हम खुशी मनावेंगे। पापा का भंडारा फिर हम करवावेंगे। पापा का भंडारा फिर हम करवावेंगे। हरे राम देश ले पे, हरे राम देश ले पे, करवावेंगे परीक्षा। चेला गोला संग में दीपा गावे है दमदार। चेला गोला संग में दीपा गावे है दमदार। गोरी तू कित चाली, गोरी तू कित चाली, करके सोरे श्रृंगार। मेहरमपुर जाऊंगी बाबा जोधा दास के द्वार।
बाबा जोधा दास के द्वार। मेहरमपुर जाऊंगी बाबा जोधा दास के द्वार। मेहरमपुर चलूंगा गोरी दादा जी के द्वार। मेहरमपुर चलेंगे हम बाबा के दरबार। मेहरमपुर चलेंगे बाबा जोधा दास के द्वार। मेहरम